एंजाइटी, दिस इज बिकमिंग प्रीटी कॉमन इन टुडेज वर्ल्ड. एंजाइटी एंजाइटी आजकल सभी को हो रहा. एंड व्हाई एंजाइटी हैपन्स, आई वांट यू टू लुक एट एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर अंडरस्टैंड. कोई बड़ा बड़ा शब्द बोलते हैं ना, साइंटिफिक वर्ड, इससे सोल्यूशन नहीं मिलता. तो आपको पहले समझना पड़ेगा अपनी समझ से, व्हाट इज एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या होता है. सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इट इन द मोस्ट सिंपल मैनर. सो व्हाट यू फील व्हेन यू आर एंशियस, आप फील क्या करते हैं जब आप एंशियस होते हैं, जब आप घबरा रहे होते हैं, तो आप फील क्या करते हैं. What do you feel? What do you feel? And what does your body try to do? आपका शरीर क्या करने की कोशिश करता है? So here comes the question. Your body always tries to save you. पहली बात समझ जाइए, आपका शरीर समझदार है, तो वो जो काम भी करेगा वो आपको बचाने के लिए करेगा. ठीक है ना? तो फास्ट ब्रीदिंग होती है, इंक्रीज हार्ट बीट होता है. ये सब चीजें आप समझ रहे हैं? ठीक है. तो फास्ट हार्ट, अगर आपका ब्रेथ फास्ट हो रहा है, यानी कि इसको स्लो या इसको रोकने की क्षमता आपकी कमजोर हो गई. यस और नो? यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, आप समझदार लोग हो. क्या बोल रहा हूं, आप लोग बहुत समझदार हो. प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ लिख गए, आपकी समझ कमजोर हो गई. तो फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, आपके अंदर इसको रोकने का स्ट्रेंथ होता तो वो फास्ट नहीं होता ना, वो स्लो रहता, वो आराम से रहता, है ना. दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है, सपोज करो देर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई रिस्की सिचुएशन, आप हॉरर मूवी देख रहे हो, हाँ, और उसमें कोई बहुत खतरनाक सीन आ गया, आपकी सांस रुकती है ना. क्यों रुकती है? वो आपको बचाना चाहता है, आपका शरीर, कुछ खतरा आ गया ना, आपका शरीर आपको बचाना चाहता है. और किस तरीके से शरीर बचाता है? सपोज कीजिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन, खराब सिचुएशन, अ स्ट्रांग पर्सन, एक स्ट्रांग इंसान उस सिचुएशन से निकल जाएगा ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एक वीक इंसान को प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं है? तो अभी क्या है कि आपके फंक्शंस अंदर जो शरीर में हो रहे हैं ना, वो तो आपको बचाने के लिए हो रहे हैं, मगर वो इतना बढ़ क्यों रहे हैं? हार्ट रेट इतना क्यों बढ़ रहा? अगर आपके अंदर कैपेसिटी होती उस सिचुएशन से ना घबराने की, तो हार्ट रेट नहीं बढ़ता. ऐसे भी लोग हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग हैपन्स टू देम, है ना. तो उनके अंदर क्या है और आपके अंदर क्या नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस? योर कंट्रोल ओवर योर फंक्शनैलिटी हैज कम डाउन, आपका अपने ऊपर ही नियंत्रण कम हो गया, है कि नहीं है? इसको सीधे शब्द में क्या बोलेंगे, आपका कुंभक कमजोर हो गया. तो कुंभक बढ़ाएंगे, आपके कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो ब्रेथ होल्ड ही है. आप हाथ पांव हिलाते हैं ना, कैसे हिलाते हैं? ब्रेथ होल्ड करके, जरा करके देखो, ऐसे उंगलियों को फंसा लो, क्लास्प योर फिंगर्स, पुल, खींचिए, खींच कर रोकिए, होल्ड, देखिए सांस रोक रखा आपने, सांस रोका है, रोका है कि नहीं? अच्छा, पुश करो, पुश करो, धक्का दो, पुश करके रखो, होल्ड, देखो सांस रोका है. तो आप कोई भी काम करते हैं, उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या क्या रेगुलेट करता है उस काम को? ब्रेथ होल्ड. आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी ना, तो आपके बॉडी के ऑर्गन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा. इसका मतलब, यानी फिर आप घबराएंगे नहीं, तो एंजाइटी नहीं आएगी आप. अब इसका कैसे 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 आप इस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे? कुंभक कीजिए, कुछ समय बाद देखेंगे एंजाइटी खत्म. इतना सिंपल सॉल्यूशन, मगर आपकी दवाई से एंजाइटी कम नहीं होने वाली, बढ़ जाएगी. अब आते हैं, पहला स्टेप बता दिया मैंने, सेकेंड स्टेप पे आता है, दूसरे स्टेप पे आता है. अगर सिचुएशन रिस्की है,
तो आपका बॉडी आपको बचाने की कोशिश करता है ना, तभी बचाएगा ना, हाँ या ना। अच्छा आपने दादी नानी दादा नाना याद है, याद है किसको थायराइड था, किसको थायराइड था, यानी आपने बनाया ना, आपने बनाया ना। और कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, थायराइड केसेस कम हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 12 साल 13 साल की बच्चियों को भी थायराइड हो रहा, तो यानी कि आपकी जो वो थायरेक्सिन रोज उठ के खाते हो ना पूजा पाठ की तरह, अरे मुझे तो दवाई लेनी है, फैशन भी होता है कभी कभी है ना, अरे मुझे तो दवाई लेनी है। अरे क्यों बर्बाद कर रहे हो शरीर को, कि कौन ठीक हुआ इससे, कौन ठीक हुआ दवाई लेने से, गिव मी वन केस, एक केस बता दो दुनिया में, बता दो, कोई तो ठीक नहीं होता ना। लेकिन आप फिर भी वहीं जाते हो ना जहां ठीक नहीं होता, डॉक्टर क्या कहते हैं, ठीक नहीं होता, मगर फिर भी उनके दरवाजे पे टक टक, डॉक्टर साहब कुछ करो। यानी कालीदास हमारे देश में ना, कालीदास, कालीदास नाम सुना, वो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। हम सभी वही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जब सामने वाला बोल रहा है कि नहीं ठीक होगा फिर भी उसी के पास जा रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं रखा आपने, क्योंकि और कोई तरीका नहीं रखा। आप सोचते हैं साइंस के नाम पे कुछ भी बोलता, अंग्रेजी बोलता साइंस हो गया, ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी लैंग्वेज ही साइंटिफिक नहीं है। आपको लगता है ग्रीको रोमन वर्ड बोल दिया तो अरे बड़े तोप चीज हो गए, आपको ये मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। तो रिस्क क्रिएट आपने क्या किया, आपको मालूम है एनवायरमेंट खराब होगा तो भी एंजाइटी ज्यादा आती है, आप घबराएंगे, शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, सांस ठीक से आएगी नहीं, जो डिफिकल्ट एरियाज हैं। अभी चीन और हमारे भारतीयों ने ठोका ना चीन को, चीनियों को, क्यों, वो चीनी सारे कमजोर है, वो हवाबाजी करते हैं, हाँ तो उनको, लेकिन बहुत डिफिकल्ट एरिया वहां पे, सबके लिए डिफिकल्ट, आपका शरीर में भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो एनवायरमेंट हमने चेंज किया कि नहीं किया, आप ये बताओ, एनवायरमेंट तो परमानेंटली आपने चेंज किया तो आपके शरीर को आराम मिलेगा या आराम नहीं मिलेगा, आराम तो नहीं मिलेगा, ये एनवायरमेंट हमने खराब, जहां धुआं ज्यादा होता है सांस भी नहीं ले पाते ना आप। एक बात और बताऊं सिंपल तरीके से, थायराइड वाले सारे इनका इनहेलेशन कैपेसिटी कम है, आपको सॉल्यूशन भी बताता जा रहा हूं मैं बीच में, लेकिन एक और बात, अगर इनहेलेशन कैपेसिटी भी बढ़ाना होगा तो भी कुंभक करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो इनहेलिंग कैपेसिटी आपकी बहुत वीक है, इनहेलिंग कैपेसिटी से क्या होता है, आपके शरीर में किसी चीज का डाइजेशन यूटिलाइजेशन या मेटाबॉलिज्म होता है, ऐसे शब्द तो आपने सुने हुए हैं। तो आप तो इनहेल कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट तो खराब है, आपका शरीर नेचुरली इनहेल कम कर रहा है, तो थायराइड तो सभी को होने वाला। तो एनवायरमेंट एक रिस्क, दूसरा रिस्क, जब जब दवाई खाते हैं, दवाई के लिए तो आप बने नहीं ना, नहीं तो थायरॉक्सिन की टैबलेट तो पेड़ों में उगना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ तोड़ तोड़ के खाते, सुबह जाते घूमने के लिए तोड़ के खाते थायरॉक्सिन की गोली, ओह मैंने तो खा लिया अपना डोज। तो आप ये समझ रहे हैं कि डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल के अच्छा काम कर रहे हो, क्या अच्छा काम करेंगे आप, कॉमन सेंस नहीं डाल सकते ना, वो उस दूसरे फ्यूल के लिए डिजाइन नहीं है, तो आपका शरीर भी डिजाइन नहीं है जिस चीज के लिए उसको आपने, उसके एडिक्ट हो गए। जब इतने छोटे थे तो आपको पता है कितने सारी इम्यूनाइजेशन दिया गया था, है कि नहीं है, आपके बच्चों को भी एक शेड्यूल दिया जाता है ना, इतनी इंजेक्शन और ड्रॉप्स और ये वो डालना, तो आपने तो वहां से बॉम्बार्डिंग करना शुरू किया अपने बॉडी का। मुझे एक डिजीज बता दो जो कम हो गया दुनिया में, कम हो रहा है, मुझे एक डिजीज बता दो, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ, डायबिटीज एपिडेमिक बन रहा है, थायराइड एपिडेमिक बन जाएगा थोड़ी दिनों में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हर एक को होगा ही 100% गारंटीड, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, मुझे कोई बीमारी तो बता दीजिए जो ठीक हो रही है,
साइंस के नाम पे आप कोई भी चूर्ण खरीद रहे हो ना, आप कोई भी चूर्ण खरीद रहे हो ना, ये फिरंगियों के चक्कर में पड़ गया, ये फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए। साइंस हमारी देना दुनिया को, साइंस हमारी देना भारतीयों की देना दुनिया को, ये चोर ले जा ले जाके कैसे इस चोरी का माल हजम करेंगे, बर्बाद कर दिया ना दुनिया को, आपको जीने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेगा? बताओ, आपने बचपन से जो दवाई खाई उसकी वजह से थायराइड हो गया, एनवायरमेंट खराब हो गया, फूड जो खा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड क्रॉप, फर्टिलाइजर्स के साथ में इनऑर्गेनिक खेती, शरीर खराब हो गया आपका। अब बताइए, जिन्होंने किया वो जिम्मेदारी लेंगे? आपके डॉक्टर लेंगे जिम्मेदारी? कल को आप बेड पे आ जाओ, कुछ लोग डिले करते हैं, कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अगले महीने करेंगे, पर अगले महीने तक तो जिंदा रहेंगे आप? सच में मालूम है 25 साल के लड़के हार्ट अटैक आ रहे हैं ना उनको, हेल्दी हेल्दी बिल्कुल हेल्दी, ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ रहा है। तो पहले ये संभाल लीजिए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेगी, WHO जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो गोली खा के जिसको पैसा देते हो अमेरिका को, वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। करवा देंगे आपसे सारे काम, मगर जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा जब आपकी हालत खराब होती है। तो इस वक्त कौन जिम्मेदारी ले सकता है, कौन ठीक कर सकता है? हमारा शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो गया, हमारे शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ कमजोर हो गया, हमारा शरीर ही ठीक करता है। लाखों सालों से इसको थायराइड नहीं था ना, अरे तो पिछले 25 साल में हुआ। तो यानी कि शरीर थायराइड को रिवर्स करने में सक्षम है, ये कर सकता इसको, लेकिन इसका रिकवरी स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो कमजोर कर दिया आपने। तो जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ कुंभक से बढ़ता, ठीक है? तो बिना कुंभक के ये इसका रिकवरी स्ट्रेंथ आप नहीं बढ़ा पाए। आप जो कुछ कीजिए, अगर कुंभक स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका रिकवर हो जाएगा। पर मैं सीधा कह रहा हूं, कुंभक ही कीजिए ना, आप जब एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी पीछे कुंभक ही कर रहे हैं, आप जब योगा कर रहे हैं तो भी आप कुंभक ही कर रहे हैं, आप जब एक गीत गा रहे हैं तो भी कुंभक कर रहे हैं। आप सीधा कुंभक करना पड़ेगा, क्योंकि वो करके अभी आप ठीक जल्दी नहीं हो पाएंगे, तो कुछ स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये वो है, जब भी रिस्क होता है आपके बॉडी में, आपका शरीर रिस्क से बचाने के लिए दो काम करता है। ये कहता है एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल ग्लैंड, आपके किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो कि प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, और थायराइड क्या है, प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता है। जब शांति काल होता है तो प्राइम मिनिस्टर बॉस है, घर में जब सब कुछ ठीक है तो घर की लेडी बॉस होती है ना, लेकिन जब रिस्क आ जाता है तब तो आदमी ओवरटेक करता है ना, प्रेसिडेंट ओवरटेक करता है। तो आप रिस्क इतना है कि थायराइड काम नहीं कर रहा, पीछे आ रहा है, और एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो रहा है, और वो दो तरीके से आपको बचाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा और ब्लड शुगर इंक्रीज, शुगर आपके बॉडी में इंक्रीज, क्योंकि वो एनर्जी एनर्जी और प्रेशर इंक्रीज करके फ्लाइट और फाइट, या तो लड़ो सिचुएशन से क्योंकि रिस्क है, या तो लड़ो या तो भागो, दोनों के लिए आपको ये दो चीज चाहिए। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी की वजह से भी कई लोगों का थायराइड फ्लक्चुएटेड नजर आता है, उनको थायराइड का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। कई लोगों का लिवर ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी दवाई खा खा के लिवर खराब कर दिया, आपका T4 T3 में कन्वर्ट होता है, लिवर में टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता, लिवर में, लिवर ठीक नहीं होगा तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कई लोगों को लिवर का इश्यू है, थायराइड का इशू नहीं है, मगर सबको एक ही टैग डाल दिया, थायराइड थायराइड थायराइड, क्योंकि इलाज तो है नहीं, कुछ बाहर से डालते रहो, आगे चल के मल्टीपल इशू आ जाएंगे अगर आपने इसका इसकी तरफ में ध्यान नहीं दिया। तो अपने शरीर को स्ट्रांग कीजिए, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाए। हाँ, ये जरूरी है।